अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी सॉसेज वाली मैक्रोनी। कढ़ाई में मैंने लिया यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल। मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी इसमें। इसको मैं इसमें हल्का सा फ्राई करूंगी। इसको अदरक को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे प्याज। मैंने यहाँ पे एक लिया, इसको छोटे पीसेस में काट के। यहाँ पे 2 मैंने टमाटर लिए हैं और साथ में 1 शिमला मिर्च ली, तो मैं इसमें डाल दूंगी। मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा फ्राई करूंगी। मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं ढक के ठहरा दूंगी ताकि टमाटर इसमें अच्छे से गल जाएं। 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक के ठहरा दूंगी ताकि ये जो मैंने टमाटर प्याज और शिमला मिर्च ऐड किए ये अच्छे से इसमें गल जाए। 3 मिनट के दम के बाद मैंने इसको ओपन कर लिया। टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं, शिमला मिर्च और प्याज भी गल चुके हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी सोया सॉस 2 टेबल स्पून, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ली गार्लिक सॉस 2 to 3 टेबल स्पून, और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून मायो गार्लिक। मायो गार्लिक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये एक सॉस सी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैक्रोनी जो कि मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप। तो मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसको 2 मिनट तक मैं अच्छे से पकाऊंगी, फिर उसके बाद हमारे पास मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी येलो फूड कलर। मैक्रोनी हो चुकी है रेडी।
अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। हो चुकी है मेरे पास रेडी। मैं इसके ऊपर डालूंगी वाइट तिल, ये है मेरे पास फाइनल लुक। सिंपल सी मैक्रोनी हो गई है मेरे पास रेडी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।